एंड वेलकम बैक। यकीनन एक है कौम और एक मंजिल। मेरे लिए इस साल की अभी तक की जो हाईलाइट रही है, इट्स बिन द कॉन्वर्जेशंस विद आवर प्राइड ऑफ पाकिस्तान नॉमिनी। सो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वक्तन फवक्तन आपकी इनसे हम मुलाकात कराते रहेंगे। तो आइए आज मिलते हैं द यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 के रेसिपियंट यानी उमेर मसूद से। और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन इस हवाले से है क्योंकि आज इनको डिक्लेयर किया जा रहा है एज अ ब्राइट जीनियस माइंड। इनिशियली ही वॉज अ स्लो लर्नर। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस कॉन्वर्जेशन। हमारे साथ मौजूद हैं फख्र पाकिस्तान उमेर मसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिल्कुल पीछे है, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, या मुसलमानों की बात कहें तो कुछ कर नहीं सकता। तो इस 23 मार्च पे क्यों ना रेजोल्यूशन करें कि जो है ना पाकिस्तान इस बार न्यूज ब्रेक करे कि हमने कुछ किया है। उमेर, जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसमें अक्सर बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है लर्निंग में। बिल्कुल शुरुआत की जब बात की जाए तो यू आर अ स्लो लर्नर, तो वो क्या दुश्वारी थी एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? जी जी बिल्कुल, स्टार्ट में जो है ना बिल्कुल मैं FSC लेवल तक बिल्कुल जो है ना वो एवरेज सा बच्चा था, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें रट्टा चलता था और मुझे रट्टा मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। FSC के बाद जब जो है ना मुझे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ना दिया गया एक साल तक, तो मैंने जो है ना ऑनलाइन जो है ना कोर्सेज उनका रुख कर लिया। तो वहाँ पे जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग लेक्चर दिया करते थे, हमें भी साथ में इन्वॉल्व किया करते थे, एंड पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी दिया करते थे। तो करते करते जो है ना मेरी जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च के अंदर जो है ना वो चला गया। लेकिन वो जो एंड पे जो रिसर्च वर्क होता था, जो एग्ज़ाम होते थे, वो रट्टा बेस नहीं होते थे, वो कंसेप्चुअल बेस होते। और अब आप माशाल्लाह यू आर रिनाउंड टू बी वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स अराउंड द वर्ल्ड। आपका इंटरेस्ट जेनेटिक्स में है, इस फील्ड में आगे क्या करना चाहोगे? मैं इस ये फील्ड अभी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, आप देखें इसमें हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये जो लोग जिन्याती तौर पर मजबूर पैदा होते हैं या जिनको जिन्याती बीमारियाँ, हम उनका इलाज दरियाफ्त कर सकते हैं या इन्वेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो करंट इलाज है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव इलाज है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम कोई ऐसा इलाज इन्वेंट करें या कोई ऐसी टेक्निक इन्वेंट करें, ठीक है, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और जो है ना उसकी एक्यूरेसी भी जो है ना ठीक हो। उमेर, ये जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 आपने जीता, जिसमें 121 ममालिक से साइंटिस्ट ने, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था एंड यू बिकेम द चैम्पियन, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी जी, ये मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, सेवन्थ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मैंने 3 साल अपने रिसर्च पेपर पे काम किया, उसके बाद अपना रिसर्च पेपर उनको दिया। तो वोट देने की शर्त वहाँ पे ये थी, या तो साइंटिस्ट दे सकते थे बड़े बड़े, या नोबल प्राइज़ विनर या PhD स्कॉलर्स दे सकते थे। तो 2 घंटे वोटिंग चली और अल्लाह के फजलो करम से जो है ना मेरी 336 वोट्स हुई और मैं यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीत गया। जी जनार, ऐसे ही बहुत सारे होनहार लोगों से मेरी मुलाकात हुई इन द इनक्लोजर ऑफ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, जो कि अब हर साल का एक एक रेगुलर एक्टिविटी होगी। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, उमेर की तरफ से आज हमें ये मैसेज मिलता है कि हमारे सिस्टम में कई ब्रिलियंट माइंड्स को हम शायद वेस्ट कर रहे हैं। सो बिफोर यू लेबल अ पर्सन एज अ स्लो लर्नर, हमें और लर्निंग टेक्निक्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, कहीं छुपा हुआ कोई हीरा हम उसको मिस ना कर दें। इसी के साथ हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। हमारा एक न्यूज़ ब्रेक आएगा लेकिन वापस आएंगे, बड़ी अहम डिस्कशन है आने वाले कारोबारी क्लाइमेट के हवाले से कि अब जो कोरोना की तीसरी लहर में कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने वाली हैं तो हम तैयारी कैसे करें, महंगाई का सामना कैसे करें। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ आज पाकिस्तान। सो स्टे विद अस।